हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज वीडियो वही वाले सीरीज़ में मैं आगे बना रही हूँ जो कि आपके इनर वर्क से रिलेटेड है। अब ये जो आज आपको मैं बातें बता रही हूँ, ठीक है, वो आपको लगेगा कि इनका इनर वर्क से क्या लेना देना है, ठीक है। बिकॉज आपको तो टेक्निकल बातें समझाई गई हैं इनर वर्क वाली, कि आपको ये करना है, ठीक है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है वो भी आपको ध्यान रखना है इस जर्नी में, ठीक है। तो आज मैं कुछ बातें ऐसी बताती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिप्स हैं जो आपको आपकी जर्नी में नहीं करनी है, ठीक है। या ये टिप्स को अपना के जो है ना, आप, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपकी जर्नी फास्ट हो जाएगी या कुछ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपके रीयूनियन को या आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको डिले करती हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ टिप्स मैं आज आपको बता रही हूँ, उनको आप ज़रूर से ध्यान में रखना और उनको फॉलो करने की कोशिश करना। बिकॉज़ ये जो चीज़ें छोटी 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 ये जो चीज़ें हम कर देते हैं और हमको वो रियलाइज़ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ से हमारे रास्ते में रुकावट बनती जा रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली बात तो यह है कि आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान आपको और इस जर्नी के दौरान भी आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। कई बार बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होंगे, ओके। तो देखिए, वो एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो आपको किसी के साथ, किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई मैसेज डाउनलोड होता है या आपको कुछ ऐसा साइन सिंबल दिखा या आपको कुछ ऐसा हिंट दिया गया एंजल्स के द्वारा, ठीक है, आपको जिससे आपको एक क्लू मिला और आप उस टाइम बहुत बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, मीन्स आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता है ये वही जान सकता है जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो आपको आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने तक रखने हैं, ठीक है। और अगर आप शेयर करना भी चाहें तो जब वो दौर निकल जाए, ठीक है, तब आप उसके बाद उसको शेयर करिएगा। अगर आप करना भी चाहें, बहुत आपको लगे कि नहीं, आपको ये चीज़ बतानी ही चाहिए, नो डाउट, हम लोग भी वीडियोस पे कभी कभी ये चीज़ें बताते हैं, हमारे खुद के जो पर्सनल होते हैं एक्सपीरियंसेस, तो बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतना प्रीशियस है, आपका जो यूनिवर्स के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, इस जर्नी के दौरान जो बनता है डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है, यू नो, वो इतना प्रीशियस है। तो आप क्या करेंगे, मैं बताती हूँ इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि आप क्या करेंगे कि आप जाके किसी से शेयर करेंगे, ठीक है, आपने अपनी बात बता दी, अब ये सामने वाले पर्सन पे है कि उसका उतना लेवल या उसका उतना अंडरस्टैंडिंग का लेवल है या नहीं है कि वो इस बात को समझ पाए, ठीक है। तो इवन जो लोग एक साथ सोल जर्नी पे होते हैं ना, उनके भी एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, हर एक का एक्सपीरियंस यूनिक होता है, हर एक का जो स्पिरिचुअल जो उनको गाइडेंस दी जाती है वो अलग होती है, बिकॉज हर एक की सिचुएशंस अलग होती हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने किसी को बताई अपनी बातें और सामने वाला अंडरस्टैंडिंग के उस लेवल पे नहीं है कि वो आपकी बात को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, और 3D वालों की प्रॉब्लम तो हम समझ सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट गोइंग थ्रू सच थिंग्स, ठीक है। तो उनको ये जस्ट बिल्कुल बिल्कुल ये आप उनको ये मतलब जिसको कहते हैं गलत, मतलब आपको उनको कोरी कल्पना लगेगी ये बात आपकी, ठीक है, मैं शब्द नहीं बोलना चाहती कि उनको बकवास लगेगा, ठीक है। तो जब आप इस टाइप की चीज़ें उनके साथ शेयर करेंगे, आपका एक बॉन्ड है यूनिवर्स के साथ, आपका एक बॉन्ड है गॉड के साथ, आपने ये बातें शेयर की, सामने वाले ने अंडरस्टैंड नहीं की, उसने आपकी बात को कल्पना बता के या गप बता के या जिसको कहते हैं कपोल कल्पना बता के ना, और उसको खारिज कर दिया बात को, अब आपने, आप जानते हैं, ये आपके उस एक्सपीरियंस की, ये आपके उस गिफ्ट की तौहीन हुई, इंसल्ट हुई, इतनी प्रीशियस चीज़ को आप किसी के भी सामने परोस रहे हैं और वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली ना, ये हमारे डिवाइन की, हमारे यूनिवर्स की,
हमारे जो एंजल्स हैं उनके प्यार की डिसरिस्पेक्ट हुई। ठीक है, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि सामने वाला, हो सकता है आपके सामने हाँ में हाँ मिला रहा है, बट अंदर से कहीं ना कहीं वो आपके साथ अग्री नहीं कर रहा। और जो लोग उस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे नहीं, वो अग्री करेंगे नहीं। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं करना है, अपने प्रीशियस बॉन्ड को बड़ा बचा के सहेज के रखना है। ठीक है, आपके पास कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके आपको शेयर नहीं करना। हाँ, वो दौर निकल जाता है, वो टाइम निकल जाता है, तब आप किसी को बता सकते हो। आपके जैसे लोग हैं उनसे बात आप शेयर कर सकते हो कि आपने क्या क्या अनुभव हुए आपको इस जर्नी के दौरान। ओके, फिर नेक्स्ट है, एक सेकेंड, एक्चुअली क्या है, यहाँ हवा बहुत चल रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद वीडियो में भी ये वाला नॉइस आएगा। ठीक है, तो बेयर विद मी फ्रेंड्स, बिकॉज मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ और अभी भी मैं ना छत पे आके वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ हवा चल रही है और अगर कोई आवाज़ आती है तो प्लीज़ 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 एडजस्ट करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टिप कि आपको अपनी ट्विन के साथ आपकी जो जर्नी है, ठीक है, आपका ट्विन आपकी लाइफ में किस तरह से आया और क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपके, क्या किस स्टेज पे आप लोग हो, वो भी आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड हो रही है शेयर करने की, तब आप अपने ही जैसे किसी सोल फैमिली के मेंबर से आप शेयर करो, अदरवाइज़ आप अपनी ट्विन जर्नी को बिल्कुल किसी के साथ शेयर मत करो। इससे होगा कुछ भी नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, उल्टा आपकी मुसीबतें बढ़ जाने वाली हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो ये आपकी जो ट्विन जर्नी है, इसको आपके ट्विन के साथ आपका जो भी जो स्टेज है, जो रिलेशन है, जो आपका आप लोगों का जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस रहा है, वो आपको किसी भी तरह से आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बिकॉज़ आप जैसे ही शेयर करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी जर्नी में और ज़्यादा, वैसे ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट है और आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ को और बढ़ा लोगे, बिकॉज़ तब आपको वैसे लोगों से भी कॉप अप करना पड़ेगा जो आपसे चारों तरफ से सवाल दागेंगे। ठीक है, आपको चारों तरफ से क्वेश्चन किया जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप पहले तो उन चीज़ों से निपटने में लग जाओगे जबकि इस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन आपका काउंटर पार्ट है ही नहीं। आप बहुत आगे निकल आए हो इनर वर्क में, आप मेहनत कर रहे हो, आप उस चीज़ को समझ चुके हो, जर्नी को समझ चुके हो, और आपने यूं ही एवें किसी को कह दिया और फिर बवाल हो गया और फिर आप उस बवाल को सुलटाने में लग जाओगे। ठीक है, समेटने में लग जाओगे, तो यहाँ भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आपको चीज़ों से हटा दिया जाएगा, आपको दबा दिया जाएगा, किसी तरह से दबाने की कोशिश की जाएगी हर तरफ से। क्यों ऐसी चीज़ों में, झंझटों में आपको पड़ना? एंड वैसे भी आपके ट्विन के साथ जो आपकी जर्नी है वो बड़ी यूनिक जर्नी है। ठीक है, वो आपको ऐसी जर्नी है जो आप, जिसको कहते हैं ना, एक सॉन्ग था ठीक है, धर्मेंद्र हेमा मालिनी का, कि तुझे तिल में बंद कर लूँ, दरिया में फेंक दूँ चाबी। तो बस आपको यही करना है, उस राज को आपको बंद करके चाबी को बिल्कुल दरिया में फेंक देना है। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ना आपका ट्विन आपको मिलेगा, ना आपका काउंटर पार्ट आपको मिलेगा, ना आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। और इस शेयर करने से केवल ये, केवल और केवल ये होगा कि आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो क्यों ऐसा काम करना है आपको? ठीक है, तो कभी भी अपनी ट्विन जर्नी को शेयर नहीं करना, बिकॉज जर्नी की इनिशियल स्टेजेस पर ये गलती कर बैठते हैं लोग। ठीक है, एक्साइटमेंट होता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, यूनिवर्स की तरफ से हमको गिफ्ट मिला है। ठीक है, तो हम जाते हैं और आप जाते हैं और शेयर कर देते हैं किसी के साथ भी। ठीक है, इवन ठीक है, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, बहुत से लोग। तो आपको अपने ट्विन के साथ भी जर्नी को शेयर नहीं करना। ठीक है, उनको खुद, उनकी चीज़ें खुद रिवील हो जाएंगी। ठीक है, वो आपका बर्डन नहीं है। तो ये थी सेकंड टिप। फिर है कि थर्ड टिप आ गई, और आपको ये पता है कि आपका जो ट्विन है, आपका जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, आप अपना इनर वर्क बड़े अच्छे से डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। आपने अपनी अपने वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले थपेड़े थे वो भी बड़े पॉजिटिवली खा लिए हैं। आप आगे निकल आए धक्के धुक्के खा के, आप इनर वर्क में लग चुके हो, आप फुल फ्लेजेडली अपना इनर वर्क कर रहे हो। अब क्या होता है, यहाँ पे आपके कार्मिक की, यहाँ पे आपके सॉरी काउंटर पार्ट की बारी आ रही है, जो इस टाइम पे अपने कार्मिक से जूझ रहा है। ठीक है, तो
तो वो अपने कार्मिक से जिस टाइम पर जूझ रहा है, उनके साथ डील कर रहा है, तो माइंड इट, उसके अंदर आपको किसी तरह का इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप जाके उसको हेल्प करो किसी भी तरह की, ठीक है? आप नहीं कर सकते हो, बिलीव मी, आप नहीं कर सकते हो। बिना सही टाइम आए आप चीज़ें नहीं समझा सकते हो। तो आपको क्यों, और आपको ये लगेगा कि जो कंसेप्ट आपको समझ आ गया वो आप सामने वाले को समझा पाए, ठीक है? उनको उनके उनको वो मुसीबतें ना उठानी पड़े, उनको वो प्रॉब्लम्स ना उठानी पड़े जो आपको अपनी जर्नी के दौरान फेस करनी पड़ी। तो आपको कभी डिवाइन के काम को अपने हाथ में नहीं लेना है, ठीक है? आपको कभी डिवाइन के काम को अपने हाथ में नहीं लेना है, बिकॉज़ इससे क्या हो जाएगा कि हर चीज़ लेट होती जाएगी, ठीक है? ऐसा करके आपकी, आप हेल्प तो नहीं करोगे बल्कि आप ना अपनी चीज़ों को लेट कर दोगे, ठीक है? और क्योंकि आपने डिवाइन के काम में इंटरफेयर कर दिया, ठीक है, तो आपकी जर्नी भी डिले हो जाएगी। आपका जो इनर वर्क है वो भी जो है आपको वापस फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप उनकी, उनके कार्मिक से निपटने में, उनके कर्मों को रिलीज़ करने में आप उनकी कोई हेल्प करो। आप अपनी जर्नी याद करिए, जब आप धक्के खा रहे थे आपको भी किसी ने हेल्प नहीं की थी, ठीक है? दिस इज़ द सेम पर्सन जो आपको छोड़ के उस टाइम पर चले गए थे। तो आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिवेंज है ये, नहीं, ये रिवेंज नहीं है, बट ये थपेड़े खाए बिना कोई समझ नहीं सकता जर्नी को, ठीक है? ज़िंदगी संघर्ष का नाम है। जब तक थपेड़े खाएंगे नहीं वो समझेंगे नहीं। आप समझाने जाएंगे, थाली में परोस के लेके जाएंगे कि भैया ये आपको नहीं समझ आएगा, बिलीव में नहीं समझ आएगा। तो एक तो आपको उनके किसी भी काम को अपने हाथ में नहीं लेना। आपको ये नहीं सोचना कि मैं हेल्प कर दूं, इससे हर चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, डिले हो जाएगी, डिवाइन के काम में इंटरफेयर हो जाएगा, ठीक है? एंड साथ ही साथ आपका अपना कर्मा भी क्रिएट हो जाएगा, आपकी और डिफ़िकल्ट चीज़ें, सिचुएशंस कर दी जाएंगी, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका टिप, ठीक है? टिप है कि आपको अपने इनर वर्क के लिए किसी को सफ़र नहीं करवाना, ठीक है? आपका मेडिटेशन का आपने टाइम फिक्स कर रखा, आपने अपना एक स्केड्यूल बना लिया, ठीक है? उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपका मान लीजिए इवनिंग में आपका मेडिटेशन का टाइम हो रहा है, ठीक है? एंड आपके बच्चों को भूख लगी है, ठीक है, या आपके हस्बैंड को या आपके साथ जो फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं उनकी कोई नीड्स हैं, उस टाइम पे आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो आपको ये नहीं करना है उस टाइम पे कि मैं नहीं, मेरा तो अब टाइम हो गया, मुझे बैठ के और अपना जो है, मुझे तो अपना मेडिटेशन करना है, मुझे अपना 1 घंटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है? दुनिया जाए भाड़ में, तो ये आपको नहीं करना। योर ड्यूटीज़ कम्स फर्स्ट, ठीक है? यहाँ पे अगर आपने किसी को सफ़र करवाया तो ये याद रखिएगा कि वो इनर वर्क आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो आपका आपका इनर वर्क ऐसा हो, स्मूथ हो, आप मॉर्निंग में उठ के करिए, आप कैसे भी करके टाइम को एडजस्ट करिए, ठीक है? और जो मैंने बोला कि चलते फिरते मेडिटेटिव स्टेट में रहिए, वो सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज़ वहाँ आपके कोई बाउंड्रीज इतनी नहीं होती हैं, सेट बाउंड्रीज। एंड आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ आपको। क्या मीराबाई को पता था कि किस किस नियम से, कौन कौन से नियम से उनको जो है, इसको इनर वर्क कहते हैं और ये हमारी सोल होती है और ये बस ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बस मगन हो जाना है, मगन हो जाना है। आज मॉर्निंग में मेरी जो सिचुएशन थी वो मैं अगर अब मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, और इतनी इतनी बुरी वाली मेरी कंडीशन थी, और अभी मैं बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज़ आपको हर वक्त प्रेजेंट में रहना है, ठीक है? आप ना खुद को सफ़र करा सकते हो इस जर्नी में, ना ही दूसरों को सफ़र करवाना है, कोई भी दुख ना पाए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कार्मिक्स हैं जिनकी अपनी तकलीफ़ें हैं कि आप अपने इश्यूज हील कर रहे हो, उसके दरमियान उनको जो टास्क मिला हुआ है आपके लिए, टोका टाकी करने का, आपको रोकने का, आपको अपोज करने का, वो अलग चीज़ है, ठीक है? उसकी आपको परवाह ही नहीं करनी है।
आपको बस अपना कर्मा करना है। आपने अपना काम किया ना, आपने कोई काम अधूरा छोड़ के आप इनर वर्क को तो नहीं दे रहे हो ना वो टाइम। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपने अपना सारा अपनी ड्यूटीज़ की हैं, उसके बाद आप अपना इनर वर्क कर रहे हो। और उसके बाद अगर आपको कोई कार्मिक परेशान कर रहा है इस नाम पे कि अरे तुम तो जादू करती हो, या तुम तो पता नहीं क्या क्या करती हो, तुम पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़ते हो, कुछ भी कहे, एनीथिंग रबिश, आपको जस्ट बिल्कुल वही वाला बोलना है मूल मंत्र जो मैंने आपको बताया, चोजन बाय मी, मैंने चूज़ किया था, मेरा चुना हुआ है, ठीक है। ये इनकी, आपको हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराना है कि ये इनकी ड्यूटी है, इनको यहाँ पे इस ड्यूटी पर लगाया गया है, ठीक है। तो याद रखिए, जो पास्ट में जाके देखिए, ठीक है, जितने बड़े बड़े जो भक्ति के, जो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, स्तंभ, ठीक है, वो हुए हैं, तो उनके लिए कोई नियम नहीं थे, उन्होंने किन्हीं नियमों में बंध के, कोई टाइमिंग में बंध के, मीराबाई ने कभी नहीं सोचा कि मैं आधा घंटा कृष्णा को याद करूँगी या मैं 1 घंटा कृष्णा को याद करूँगी। राधा ने कभी नहीं सोचा कि उनको कृष्ण से इस नियम के तहत मिलना है, या उनको कृष्ण से इस नियम के तहत अलाइन होना है। भक्त और भगवान खुद से अलाइन हो जाते हैं जब आप हर वक्त खुद को याद दिलाते रहोगे। ये कुछ दिनों की प्रैक्टिस है, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी सांस सांस में रम गई वो चीज़, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये मैं अगले वीडियो में भी जारी रखूँगी, बिकॉज़ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ फिनिश करती हूँ इसको। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, प्लीज़ इन टिप्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा, बाय।